मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं आपके सामने एक बार बेसिक फंडामेंटल क्लास लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके फंडामेंटल क्लास के बारे में अपलोड किया है, उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो को आप नहीं समझ सकते। और आगे अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इसके बिना, बेसिक फंडामेंटल के क्लास के बिना आपको अंग्रेजी नहीं सीख सकते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेसिक फंडामेंटल क्लास शुरू से अंत तक देखना है। और मेरा अगला वीडियोस, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरा जो अगला वीडियो होगा उनको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। ओके, देखता हूं मैं मेरा अगला वीडियो क्या है इनके बारे में। देखिए, मैंने इससे पहले फंडामेंटल क्लास में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स, पहला एस नो क्वेश्चन, सेकेंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन टैग्स, फोर्थ अल्टरनेटिव क्वेश्चन एंड फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन एंड सिक्स नंबर पे रिकल क्वेश्चन। ये मेरे पास बच्चे, हमने ये आपको पहला वीडियो, इससे पहला वाला पार्ट में मैं ये पढ़ा चुका हूँ। इनमें से कौन सा पार्ट पढ़ाया हमने, एसनो क्वेश्चन हो चुका है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या मेरे पास बचा, तीसरा नंबर पे कि क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स, ये क्वेश्चन टैग क्या है, क्या है क्वेश्चन टैग्स? देखिए, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे एसनो क्वेश्चन हो चुका, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो चुका, इनका रिव्यू के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप इसको देखेंगे अगला वीडियो में, ऐसा मेरा लिखा हुआ है एसनो क्वेश्चन क्या है। तो हमने जिक्र किया था कि द क्वेश्चन विच आंसर कैन बी गिवन एस अ नो, इट इज कॉल्ड एसनो क्वेश्चन। यानी वह क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है उसे एसनो क्वेश्चन कहते हैं। क्या क्वेश्चन कहते हैं? वह क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके उसे एसनो क्वेश्चन कहते हैं। और एसनो क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब, एसनो क्वेश्चन हमेशा सहायक क्रिया से होता है, शुरू होता है। ठीक है बच्चे, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप इसका जवाब किस तरह से दे सकते हैं? चाहे आप पॉजिटिव में देंगे तो कहेंगे यस, अगर नेगेटिव में देंगे तो कहेंगे नहीं। मतलब आप अगर जानते हैं तो कहेंगे हाँ, अगर नहीं जानते तो कहेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही ये एसनो क्वेश्चन हो गया, उसी तरह डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी वह क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं बल्कि समझा कर दिया जा सके उसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। मतलब द क्वेश्चन विच आंसर कांट बी गिवन एस और नो बट कैन बी गिवन विद द एक्सप्लेनेशन, इट इज कॉल्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यानी वह क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं बल्कि समझा कर दिया जा सके उसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। मतलब क्या, कि क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते नहीं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे यस, कहेंगे नो? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यस नो में इसका जवाब नहीं दे सकते। आपको अपना नाम को एक्सप्लेनेशन के साथ बताना होगा कि मेरा नाम फलना है। अगर आपको कोई पूछे आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो आप जवाब कैसे दीजिएगा, बोलेंगे यस? नहीं, यस नहीं कह सकते, नो नहीं कह सकते, क्या जवाब देंगे? आपको कहना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा, मैं अपने ज़िंदगी में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक टीचर बनना चाहता हूँ, एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, एक लीडर बनना चाहता हूँ। जो आप बनना चाहते हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, आप लोगों को समझ में आ गई? तो चले, ये हम अगला वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ, उनको पढ़ा चुका हूँ। आज का जो वीडियो अगला, सॉरी आज का जो मेरे पास पार्ट्स बचा हुआ है वो है क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स क्या है, तो क्वेश्चन टैग कहते हैं क्वेश्चन टैग क्या है, क्या है क्वेश्चन टैग, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए कॉपी कलम निकालिए, बैठिए, बैठ जाइए, कॉपी कलम निकल के मेरे प्यारे बच्चों एकदम बैठ जाइए सामने एकदम बिल्कुल, और मेरा वीडियो को प्ले कीजिए। क्योंकि जहां जहां क्वेश्चन, इसको एक तरफ से आप नोट्स बनाइए, जहां कोई प्रॉब्लम होगा उसको मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और फिर मुझसे सवाल करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टैग क्या है,
चलिए मैं इस क्वेश्चन टैग के बारे में चर्चा करता हूं। क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट एडिशन टू द सेंटेंसेस टू आस्क फॉर मोर कन्फर्मेशन वी आर नॉट श्योर अबाउट। क्वेश्चन टैग्स आर नॉट फुल क्वेश्चंस लाइक अदर क्वेश्चंस। दे कांट स्टैंड बाय देम सेल्फ। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा डेफिनेशन आपके सामने है। कहते हैं क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट एडिशन। क्वेश्चन टैग्स एक शॉर्ट एडिशन है टू द सेंटेंसेस, सेंटेंस के अंत में आया हुआ। टू आस्क फॉर मोर कन्फर्मेशन, जो बहुत ज्यादा तसल्ली के लिए, अधिक तसल्ली के लिए पूछा जाता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट, जिसके बारे में हम श्योर नहीं रहते, उसे श्योर होने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर नॉट फुल क्वेश्चंस लाइक अदर क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन टैग्स आर नॉट फुल क्वेश्चन लाइक अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग जो है एक फुल क्वेश्चन नहीं है, दूसरे क्वेश्चन के जैसा एक फुल क्वेश्चन नहीं है। दे कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ, मतलब उसका अपने आप में कोई वजूद नहीं, अपने आप में कोई मीनिंग नहीं। देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्वेश्चन टैग्स बाय देमसेल्फ, यानी कि उसका क्वेश्चन टैग का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में। मतलब क्या है इसका, क्या मैं कहना चाहता हूं, यानी इस डिफिनेशन से क्या कहना चाहता है? तो कहते हैं कि क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट एडिशन। क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट एडिशन। शॉर्ट एडिशन का मतलब क्या है, यानी शॉर्ट का मतलब छोटा, एडिशन एड से बना है, एडिशन एड का मतलब जोड़ना, और एडिशन का मतलब जुड़ाव यानी जोड़। टू द सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के लास्ट में, यानी जो सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उसके लास्ट में आया हुआ एक छोटा सा जोड़ है। टू आस्क फॉर मोर कन्फर्मेशन, यानी पूछा जाता किसके लिए, क्वेश्चन टैग का यूज हम लोग उस चीज के लिए पूछते हैं जो हम पूरी तरह से कन्फर्म होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा तसल्ली होना चाहते हैं, मतलब कि कन्फर्म यानी सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, कि आप श्योर होना चाहते हैं। आप कहना चाहें अपने भाषा में तो आप कह सकते हैं हम श्योर होना चाहते हैं, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। वी आर नॉट श्योर अबाउट, यानी कहते हैं कि जिसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर नहीं है, उससे श्योर होने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन टैग्स आर नॉट फुल क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स फुल क्वेश्चन नहीं है लाइक अदर क्वेश्चन। मतलब ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन टैग जो है एक फुल क्वेश्चन नहीं है, जैसे और भी एसएनओ क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस हैं, उसके जैसा एक फुल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन टैग्स आर नॉट अ फुल क्वेश्चंस लाइक अदर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन टैग एक फुल क्वेश्चन नहीं है दूसरे क्वेश्चन के जैसे, मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर कहता है दे कैन नॉट या कांट स्टैंड बाय देमसेल्फ, मतलब देमसेल्फ को एक साथ लिख दीजिए, देमसेल्फ्स, ठीक है, यानी दे कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ, ऐसे लिख लिया जाए सबसे अच्छा रहेगा, सॉरी देमसेल्फ्स, ऐसे ये मिस्टेक हो गए थे मेरे बच्चे, है ना। कहता दे कांट स्टैंड बाय देमसेल्फ, यानी कहते हैं इसका अपने आप में कोई वजूद नहीं, कोई मीनिंग नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप केयरफुली इसको सुने। कहते हैं क्वेश्चन टैग एक छोटा सा जोड़ है जो किसी सेंटेंस के अंत में आकर उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि
क्वेश्चन टैग का यूज़ हम लोग उस सेंटेंस में करते हैं, मतलब ऐसे इसलिए करते हैं जहाँ पे आपको पहले से किसी चीज़ के बारे में मालूम हो लेकिन आप पूरी तरह से कन्फर्म नहीं रहते, तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के लिए, कन्फर्म होने के लिए, श्योर होने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। याद रखें आप किसका यूज़ करते हैं, बोलो किसका यूज़? क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। कब? जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले से मालूम हो लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो, तो उसे क्या करने के लिए? कंफर्म होने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं जो किसी सेंटेंस के अंत में आके जुड़ता है। देयर इज, कहता है क्वेश्चन टैग जो है अपने, क्वेश्चन टैग दूसरे क्वेश्चन के जैसा फुल क्वेश्चन नहीं है और उसका अपने आप में भी कोई मीनिंग नहीं लगता जब तक वो किसी सेंटेंस के अंत में आके ना जुड़ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, जैसे सी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। अब ये तो हम समझ गए वह मेरी मदद करेगी, लेकिन यहां क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं क्या वॉन्ट सी, क्या वह मेरी मदद करेगी, यहां पे आ गया। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम पूरा पढ़ें, सी विल हेल्प मी ऑन सी, वह मेरी मदद करेगी ना, मतलब वह मेरी मदद करेगी ना, तो यहां पे ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग, और इसको कहते हैं हम स्टेटमेंट। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं इसी को, सी विल नॉट हेल्प मी, सी विल नॉट हेल्प मी, अब विल सी। अब इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे क्वेश्चन टैग, और यहां पे भी ये हो गया स्टेटमेंट। अब ये दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसके बारे में हमने दो सेंटेंस लिखा, सी विल हेल्प मी ऑन सी, सी दूसरा सेंटेंस में है सी विल नॉट हेल्प मी विल सी। अब ये दो सेंटेंस में हम क्या बताना चाहते हैं आपको, तो इसके बारे में आप देखेंगे। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस सेंटेंस में सी विल हेल्प मी ऑन सी, यहां पर यह ऑन्ट का यूज किया गया और यहां पर विल, केवल विल है और यहां पर विल नॉट है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस एंड स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। देखिए वॉन्ट सी जुड़ा हुआ तो ये नेगेटिव है और यहां पे नॉट का यूज नहीं है तो ये पॉजिटिव है, यानी अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग बोलो नेगेटिव है। बट स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहां पे देखिए नोट का यूज किया गया, बट क्वेश्चन टैग क्या है, पॉजिटिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को समझ में आई पॉइंट, क्लियर है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। चले मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला वीडियो के लिए मैं फिर आगे इंतज़ार करूंगा। तो अगला वीडियो आपको देखने के लिए मेरा चैनल को लगातार आपको देखे रह, लगातार इसके साथ चैनल के साथ बने रहना है। याद रखिए आप लगातार इस चैनल के साथ बने रहना है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं मेरे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% सियोरिटी के साथ आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अंग्रेजी मैं सिखा के छोड़ूंगा, बट आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। पक्का अब बने रहेंगे, वादा कीजिए कि आप इस चैनल को लगातार आप देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को इस चैनल के बारे में बताएंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे गरीब बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो इस कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, खासकर मेरा चैनल से अगर आप जुड़ जाएं और लोगों को जुड़ाएं, इनके बारे में अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन दें तो यकीनन उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है। ओके अगला वीडियो के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगा। ओके थैंक यू, बाय बाय, ओके हैव अ गुड नाइट।